लोहरदगा में एक बार फिर लैंडमाइंस विस्फोट होने से लोग घबराए हुए हैं। मामला जिले के सुदूरवर्ती बगडू थाना क्षेत्र के केकरांग झरना के पास का है, जहां लैंडमाइंस ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान की पहचान अभिजीत उराव के रूप में हुई है। सीआरपीएफ जवानों द्वारा घायल जवान को तुरंत इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया। यहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की स्थिति नाजुक बनी हुई है और ब्लास्ट के बाद बायां पैर कट गया है। उनका बायां पैर जो है वो घुटना से नीचे पूरा उड़ गया है और हो सकता है कि जिस जगह पर दुर्घटना हुई है वहाँ पर वो ब्लीडिंग काफ़ी किया होगा, क्योंकि मेजर ब्लड वेसल रहता है। और हम लोग के पास जब आए तो उस समय पल्सलेस थे, लेकिन हम लोगों ने अभी जो उनका आई भी चल गया और संजोग देखिए अच्छा था कि ब्लड भी हम लोगों को मिल गया और अब पल्स आ गया है। अब हम लोग के पास समय है कि उसको हम लोग कोई अच्छे जगह पर रेफर करके और उसका जो भी करना। पैर तो ज़्यादा चांस है कि घुटने से नीचे पैर बचेगा नहीं, लेकिन जान बचने का पूरी संभावना है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा जिले के जंगली इलाकों में नक्सलियों के द्वारा लैंडमाइंस बिछाकर विस्फोट किए जा रहे हैं। पिछले 13 दिनों के दौरान 3 विस्फोट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले भी इसी क्षेत्र के केकरांग झरना के पास नक्सलियों ने लैंडमाइंस लगाया था, जिसमें विस्फोट के बाद एक युवती की मौत हो गई थी, जबकि एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। फिलहाल सीआरपीएफ के जवानों द्वारा सर्च अभियान चलाकर लैंडमाइंस को नष्ट किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोहरदगा से आनंद सोनी की रिपोर्ट।